टॉरेंट पावर द्वारा दमन में पावर कटौती को लेकर लोग हैरान और परेशान। भयानक गर्मी के दिनों में टॉरेंट पावर द्वारा पावर कटौती को लेकर लोग हैरान परेशान है और ज़्यादातर लोग अपने कामकाज समय से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह टॉरेंट पावर बनता जा रहा है। आज पूरे दिन पावर कटौती को लेकर यूथ एक्शन फोर्स के प्रमुख उमेश पटेल ने टॉरेंट पावर पर हल्ला बोला। उमेश पटेल ने टॉरेंट पावर के खिलाफ लोगों को एकजुट होने का आग्रह किया और टॉरेंट पावर के खिलाफ आंदोलन करने का आह्वान भी किया। नमस्कार दोस्तों, आज का कठिन दिन जैसे तैसे खत्म हुआ। कठिन क्यों था? क्योंकि हमने है ना, दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों ने जब लड़ाई लड़नी थी तब लड़े नहीं, जिसका खामियाजाज हम सब भुगत रहे हैं। टॉरेंट पावर ने हमारे इलेक्ट्रिक विभाग को टेक ओवर कर लिया। आज जब मैं कहने जा रहा हूं तब आप सबको सोचने की आवश्यकता है। आप लोग दिल पे हाथ रख के सोचिए, हमारे आजादी के बाद विद्युत विभाग जब तक सरकारी रहा क्या इतना सारा पावर कभी गया था? लगभग आज मैं गिन रहा था तो 55 या 60 बार लाइट टॉरेंट पावर के टेक ओवर करने के बाद हमारे प्रदेश में लाइट गई है। 60 बार महीने में 5 से 6 बार। पर आपको क्या बताओ, पांचवें महीने में 8 बार लाइट गई है, 8 बार, दो दो घंटे के लिए। ये तो लीगल जो मैसेज आए, कैसे 1 तारीख को लाइट गई 2 घंटे के लिए, 2 तारीख को वापस 2 घंटे के लिए, 10 तारीख को गई, 11 तारीख को गई, 24 को गई, 25 को गई, 29 को गई, 30 को गई, 2-2 घंटे के लिए। कभी कभी तो रात को भी लाइट चली गई और आज पूरे दिन पावर बंद रहा। मैं पूछना चाहता हूं टॉरेंट पावर को और दमन के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी को, ये क्या हो क्या रहा है हमारे प्रदेश में? कौन सा काम चल रहा है इलेक्ट्रिक का? क्या मानसून का काम? पहले बारिश नहीं आती थी, पहले काम नहीं होता था, आज पूरे दिन पावर कट रहा, लगातार लगातार पावर कट। ये पावर सप्लाई कर रहे हैं, काटने के लिए आए? अरे जब भी प्राइवेट होता है तो सुविधाएं बेहतर होती है, फैसिलिटीज बढ़ती है, रेट घटते हैं, यहां तो लाइट के दाम बढ़ गए और सर्विस के नाम पर हर रोज पावर कट। 1 महीने में 8-8 बार पावर कट, आज पूरे दिन पावर कट, ये क्या चल रहा है? दोस्तों, माताओं बहनों, अभी भी वक्त है, हम टॉरेंट पावर को यहां से भगा सकते हैं। आप सबको समझ में नहीं आ रहा होगा पर मुझे कुछ अलग ही षड्यंत्र दिख रहा है। हमारे सस्ते पावर को कहीं है टॉरेंट पावर गुजरात में बेच तो नहीं रहा है? ये षड्यंत्र क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे किसी ने बताया है कि हमारा जो सस्ता पावर है वो पावर को ये लोग गुजरात वगैरह में बेच रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। अभी मेरे पास उसके सबूत नहीं है पर मुझे भी उस बात पर विश्वास बैठने लगा है। पर मैं आज आपको ये बात करना चाह रहा हूं, ये लोग करे जो भी करना है वो करे, पर हमें मुसीबत आ रही है, हमें समस्याएं हो रही है। आज भी मैं दावे से कह सकता हूं और मेरा 100% दावा है, अगर दमन के लोग, दीव के लोग और दादरा नगर हवेली के लोग एकजुट हो जाए तो टॉरेंट पावर को यहां से हम भगा सकते हैं, बिल्कुल भगा सकते हैं, दावे से कह रहा हूं। पर उसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। मैंने एक्ट भी पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी का और उसके MOU भी पढ़ा है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि टॉरेंट पावर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। तो आप सबको एक साथ में बात कहना चाहता हूं, हमारे दमन दीव दादरा नगर हवेली में लोगों को जागने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं लोग अपने काम में बिजी है, लाचार है, बेबस है, मगर आप लोगों की लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ेगी। अगर आप लोग साथ ही नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं वापस ये मूवमेंट शुरू करने जा रहा हूं। अभी मैं JRC में जो जो
मैंने ऑब्जेक्शन दिए थे उस पर क्या आ रहा है, उसका इंतजार कर रहा हूँ। मैंने ये एक्ट वगैरह जो निकाला है, उनका एमओयू भी मैंने निकाला है, वो दोनों निकाल कर मैं ये हमारे लॉयर के पास मैंने भेजा हुआ है, वहां से क्या आता है उस हिसाब से दमन में फिर से आंदोलन खड़ा किया जाएगा। पहले मैं शुरुआत में गांव गांव जाने वाला हूँ, लोगों को जगाने वाला हूँ। अगर लोग तैयार हो जाते हैं इस लड़ाई में, इस मुहिम में साथ देने के लिए, तो फिर ये लड़ाई को अंजाम तक खींचेंगे। और मैं वादा करता हूँ, अगर दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोग एकजुट हो गए तो ये टोरान पावर गोलिया बिस्तरा बांध के यहाँ से जरूर रवाना होगा, क्योंकि अब बहुत हो गया है। हर रोज का पावर कट अब बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि ये लोग, मुझे भी अब इस बात पर विश्वास हो चला है कि ये लोग जानबूझ के पावर कट करके हमारे सस्ते पावर को बाहर बेच रहे हैं, ऐसा मुझे भी लग रहा है। इसकी इंक्वायरी मैं जरूर करूंगा। और आप सबसे भी कहता हूं, अब वक्त आ गया है कि हम सबको जागने की जरूरत है, क्योंकि नेता लोग कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि नेता लोगों को मुझे लग रहा है कि उनको मिल चुकी है रकम, इसीलिए तो वो जेआरसी में भी नहीं आते। और जो इंसान हफ्ता लेके बैठ चुके हैं वो आपके लिए लड़ने वाले नहीं है। इसीलिए फिर से आप सबसे अनुरोध करता हूं कि थोड़े ही दिन में जेआरसी के ऑर्डर आने के बाद फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। पहले मैं एक मीटिंग यहां भी करने वाला हूं, लोगों को बुलाने वाला हूं, गांव गांव जाऊंगा, हर घर जाऊंगा, फिर से आंदोलन खड़ा करूंगा। उम्मीद करता हूं कि दमन दीव की जनता और दादरा नगर हवेली की जनता जागेगी और टोरंट पावर को भगाने में मेरा साथ और सहकार जरूर देगी। धन्यवाद।